अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मेरी किचन। तो जी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अभी सनराइज नहीं हुआ। ये देखिए अब्बू भी सहन में सैर कर रहे हैं, मैं भी सहन में सैर कर रही हूँ, और सना जो है झाड़ू लगा रही है। तो की क्यों आई, क्या सुबह से मैं इतनी परेशान थी? हाँ तेरी कोली लग गई है। कोली वाची सीधी टॉप्स की जी, स्टॉपर जो होता है वो मिल गया तो बड़ी खुश है। तो हम बस मैंने कहा सहन की सैर करते हैं, साथ में आपसे गपशप करते हैं। तो क्या हाल चाल जी, सारे ठीक ठाक हो? आए देखो जी साढ़े कुवार गंदल की नहीं लगी जी, ये दे। हाँ नमाज जी पढ़नी चाहिए, 5 वक्त की नमाज। कितना टाइम लगता है बंदे ने नमाज पढ़ने लगे? 5 मिनट फजर, 12 मिनट जोहर, 5 मिनट असर, फिर 7-8 मिनट मगरिब, और फिर मेरे ख्याल में 12 से 15 मिनट जो हैं वो ईशा की नमाज को लगते हैं। तो हम कितना जो है टाइम अपना इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कामों में जो अननेसेसरी हैं, जिदा कोई फ़ायदा ही कोई नहीं, हम वेस्ट करते हैं। तो वाई नॉट नमाज कुरान भी जो है बाकायदगी से पढ़ी जाए। बाकी अल्लाह जी सबको तौफीक दे, आमीन। हमें भी आपको सबको पंचगाना नमाज अदा करने की, कुरान पढ़ने की, और जितने फ़र्ज़ हैं उनकी अदायगी जो है वो करने की, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये चंदा मामू दिखें जी, ये देखें हैं आज तो बड़े दिन में चमक रहे हैं, रात को भी चमक रहे थे, पर आज तो दिन में भी माशाल्लाह। देखें ज़रा, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो जूम इन, ये देखें जी चांद माशाल्लाह से। देखें जी सोफे को उल्टा किया हुआ है हमने, अबू जी का मोबाइल सोफे की साइड पे फंस गया है। अब हम सोफे को खोल के मोबाइल निकालेंगे। तो देखो जी आज हम ये कर रहे हैं, ऐसे भी घर में एडवेंचर होते रहते हैं। तो बस जी इधर देखो, इधर से फील करो, मैं बैल की वजदा पे सोफे के अंदर ही पकड़ो उसको। हाँ वाइब्रेट होता पे वाइब्रेट, ये इधर 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 स्टक है, और कैसे इसको अगर सीधा कर ठहर जो। खोल के जी सारा निकाला है। मोबाइल कितने जे हूँ, मोबाइल कितने जे, हूँ सोफे की दूजी साइड ना कि डिग जे, जेब जी रखो निकला है। आज आपने अच्छा काम किया है, वेखो जरा हूँ ऐसा सारा मोबाइल तुसी तो पता नहीं चलिया बिच डिग गया। जी मोबाइल निकालने के बाद अब हम खाने लगे हैं मीठे, क्योंकि मैं कहनी है ओए ओए हथौड़ी ओह ना ठोकेगा किल, तो हम खाएंगे जी अब मीठे। बाकी फार्म पे सारे पार्टी तैयार है, ये देखिए जब्बू भी तैयार हैं, ये देखो जी सना तैयार हुई है, सना का सूट चेक करे हैं। ये सना को जब हम गए थे ना अलबारिक, वहाँ से सना ने लिया था जी, ये खैर से माशाल्लाह तोहफा। हाँ वाह क्या डिजाइन है सना तेरे सूट दी हैं, तोहफा 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 आया आया आया। सब ने जी सूट पहने हुए हैं सारे, ये देखो सारे तैयार हैं। हाँ चलो जी जोर लगा के है या आज जो चलते हैं। चलो जी कोको मो खाया जाएगा, सारे बैठ गए हैं जी, अपनी अपनी सीटें संभाल ली हैं। अब मुझे आगे हैं कमाद लगी है, कमाद जी गन्ने बनेंगे, गन्ने बनेंगे ये फिर कितनी देर लगती है इनको तैयार होने में, गन्नों को जब सर्दी आती है ना हाँ सर्दी में तैयार हो जाते हैं, हाँ। तो बाकी ये जानवरों भी बांधने है ना, जानवरों का भी इसमें से जानवरों का भी हिस्सा निकलता है। मकई लगी है, ये घर है कमा दे सारा को, मकई है ये मकई है, ये वाली मकई थी पीछे कमा था, ये मकई है, ये भी मकई है, सारी मकई लगी, सारी मकई लगी खलोती है। मोटर इट्टा वाला, इट्टा वाला भट्टा, इट्टा बन रही है जी इट्टा, कमाद भी कैसा मैं करनी है वो गया है। वो
ये देखो कितनी है माशाल्लाह। ये बाकी है जो जिसे चावल नहीं बनते। हाँ चावल लगाए हुए हैं उधर। सर जी लेने लगे हम फ्रूट, देखिए कितना ज़बरदस्त ताज़ा फ्रेश फ्रूट है यहाँ माशाल्लाह से। पीछे देखें ग्रेप फ्रूट कितने हैं और आगे फ्रूट आगे तक। ला जी शुक्रिया। यहाँ से जी हमने देखे सेब और सारा फ्रूट कितना ज़्यादा। ये मेरे अम्मी यहाँ आया करते थे और यहाँ से फ्रूट लिया करते थे। से फल फ्रूट लेके जी अब हम जा रहे हैं भाई के फार्म पर। क्या और मौसम कैसा है? मौसम कुछ ऐसा है जी, ये देखिए साफ आसमान, कोई बदल शदल कोई नहीं। तो है जी भी कमा दी है, कमा तो बड़ी उगी है ऐसे। और पीछे बाजरा है तो यह जो इन्होंने बनाया होता है मिट्टी का, यह कि चीज़ है पिपल के पिछे हुई मिट्टी की जो ढेरी है पौ मेरी बांह फड़ी रखो। आज 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 टुर दिया इधर पहुंच गए जी फां पे। ठंडा ही है अभी जूस ये वाले कुड़ियों, ये सारा सामान अंदर अंदर कमरे में जाएगा। उठाओ दोनों चीज़ें, हेल्प करो उनकी। बाहर जाना चाहिए बाहर बहना चाहिए अंदर कमरे से? हाँ आज फिर कमरे चलिए, कमरे जाने बाहर अजय गर्म है। आहो आहो आंदे आंदे कमरे च आ जाओ। बहुत ही गर्म देखें जी फार्म पे रौनक लगी है। इन्ना नहीं गर्मी लगती है तानू? नहीं गर्मी लगती, सारे बाहर निकले ने। ये है जी सैलड, ये देखें ये है जी लूने मिठे चोल हैं, ये जो कि हम खाने लगे हैं आज भाई के यहाँ पे। हाँ मैं दिंदी हूँ बुरी दिंदी हूँ। ये पुलाव देखें कितना शानदार है और मिठे चावल देखो जी किड्डे आज तक पूरी होली होली चम्मच इधर जाए। ये क्या जी मिठाई आई है बच्चों के लिए, स्वीट एंड बेकर्स। चलो जी जी रस मलाई जो के है हमने नहीं बनाई पर हम इसको खाएंगे और खाने के बाद हम करेंगे जी सबकी पटाई। अब जी हम जा रहे हैं घर, तो भाई ने देगे दिलवाई थी, यहाँ के बच्चों ने खाना खाया है खूब इंजॉय किया है और अब हम जा रहे हैं घर वापस। सारे बैठ के शर्मा वे कैसा खच पाए। हम निकल पड़े हैं भाई के फार्म से, बड़ी गर्मी है जी बहुत ज़्यादा। तुसी कहना कि अम्मी हलीमा ने तो गर्मी गर्मी कट दिया, हर व्लॉग में गर्मी बहुत है गर्मी बहुत है गर्मी बहुत है, तो जी गर्मी वाकई बहुत है की करे बंदा। तो जी हम पहुँच चुके हैं खैर से घर, अभी मैं जा रही हूँ दर्जी के पास। ये देखे मैंने ये शिफॉन का दुपट्टा स्किन से कलर में, और ये देखे मैंने इसकी लेसें कितनी खूबसूरत प्रिटी लेसेस हैं जो मैंने ये अब ये दुपट्टा बनवाना है। ये मेरे एक बहुत अच्छे से नाइस से जी सूट के साथ है, तो इंशाल्लाह जब वो सूट भी मैं आपको दिखाऊंगी तो मुझे ये वाली लेस इतनी अच्छी लगी। ये लगेगी जी चारों चफेरे चारों तरफ लगेगी ये, और ये इसमें जो है जोड़ बन के जोड़ में जी ये वाली लेस लगेगी। देखिए कितनी प्रिटी है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ओढ़ना पहनना हंडाना नसीब करें और इंशाल्लाह ताला आमीन। अभी मैं जाना है टेलर के पास। ये देखें कि ये सूट है मेरी बेटी का जी, ये सिलवाना है। फिर मैंने एक जो है ये सिलवाना है, तो यह जी दो सूट ठंडे ठंडे कलर ये जा रही हूँ दर्जी को देने के लिए। तो बस भाग दौड़ लगी है, मैंने कहा चलें जिनने काम हो सकते ने बंदा उनने करे, बाद की बाद में देखी जाएगी। तो ये पता मैंने किसके साथ ये मैं दिखा आपको, मैं सूट भी दिखाती हूँ, मैं ये दुपट्टा कौन से सूट के साथ बनवा रही हूँ ठहरे आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी ये वाला सफ़ायर का सूट जो कि मैंने लिया था उधर से जब हम गए हैं इस्लामाबाद। तो ये देखें ये इसके इसके बाजू की ये वाली लेस है, इसके गले की ये वाली है, गले पर ये डिज़ाइन है। तो उसके साथ फिर मैंने मैचिंग करके
ये देखें, ये इसकी लेस है ये, और दुपट्टा बनेगा ऊपर शिफॉन का ये वाला लेसों के साथ। तो ये क्योंकि ये कलर का जो सूट का कलर है सारे डार्क हैं, तो अगर मैं डार्क कलर का दुपट्टा लेती तो ना बहुत ही डार्क डार्क हो जाना था हैं। तो मैंने कहा नहीं, दुपट्टा जो है ये वाला इस कलर का लेते हैं ऊपर, पर जब इसको लेसेस लग जाएंगी दुपट्टे को, सोनिया सोनिया लेसें लग जाएंगियाँ ऊपर लेंगे, तो ये दुपट्टा जो है नाइस इंशाल्लाह जी नाइस जो है लगेगा। तो चलें, ये इसके साथ प्लाजो ट्राउज़र है, बैगी ट्राउज़र जो कहते हैं जी वो वाला। तो मैं हूँ जी करा अपने काम मुकामा, तो मिलांगी तानू इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मी हलीमा किचन। तो आज का नाश्ता जी देखें जी, चार रायता, ये मैंने जो दाल बनाई थी, और हॉट पॉट के अंदर हैं जी, गाय उन खोल जाए सही, गर्मा गर्म परोठे जी, परोंठे ये देखें ज़बरदस्त हॉट पॉट के अंदर बना के रखे हैं, जो कि बच्चे खाएंगे। ऐ देखो जी माशाल्लाह। और आज सुबह का नाश्ता है जी, रात की बची हुई दाल साथ में चार रायता एंड परोठे। कूलर रख दिया है यहाँ, गिलास और प्लेटें आ जाएंगी, तो बच्चे जी बस आने लगे हैं, हम सारे मिल बैठ के मिल बांट के खाएंगे माशाल्लाह। तो मैंने कहा चले आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं, और अभी सफाई सुथराई होनी है, टाइम आपको दिखाते हैं टाइम क्या हुआ है। टाइम हुआ है जी ये देखें जी 8:21, और नाश्ता होने जा रहा है, और मौसम कुछ यूँ है, तो कह रहे हैं कि बारिशें आएँगी 2-3 दिन के बाद, तो अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह। तो मैंने कहा चले आपसे अस्सलाम वालेकुम कह लें, गुड मॉर्निंग कह लें, अपना हाल अहवाल बता दें, आपका हाल अहवाल पूछ लें, आपको ये बताएं ये दिखाएं कि हम आज सुबह का नाश्ता क्या होने जा रहा है। तो जी लेफ्ट ओवर जो है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये रात का बचा है खाना नहीं, तो सुबह नाश्ते में खाया जा सकता है। वंस अपॉन अ टाइम जब हम छोटे छोटे होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अम्मी जान को, तो सुबह पराठे बनते थे, रात का बचा हुआ सालन होता था, और वो क्या ही बात होती जी, क्या ही बात होती थी। तो बच्चों को जो जो हम चीज़ें खाई हैं, तो मैंने कहा वाई नॉट बच्चे भी जो उन चीज़ों का मज़ा लें, इंजॉय करें एंड अप्रिशिएट करें जी इंशाल्लाह ताला आमीन। अब लगने लगी है, सफाई होने लगी है, तो आशा जी शादी पे गई हुई है, 2-3 दिन से नहीं आ रही है, तो घर के काम जो है खुद करने पड़ने हैं। अभी मैंने ये लगाई है मशीन, ऐ देखो जी कपड़े धुल रहे हैं, मशीन में डाल दिए हैं, बस उन्होंने फिर नितारेंगे, पहले तो निकालेंगे फिर नितारेंगे फिर कुछ और करेंगे। तो जी मशीन में मैंने कहा जी कपड़े धोएँ, जो काम करने वाले हैं वो तो करें। नाश्ता करने के बाद जी अब जो है हो रही है साथ साथ सफाई, रल मिल के बच्चों को साथ लगा के, सना को साथ लगा के, और कपड़े धुले मैं धोऊंगी, बाकी जो है कुड़ियां जो है वो घर के जो है सफाई वगैरह करेंगी। तो ऐसे मिल बांट के जी काम कर लेने से एक तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, और ये नहीं कि बस एक ही बंदा सारा काम करे, टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क। कपड़े जी धुल चुके हैं, सारा कुछ साफ कर चुके हैं हम, ऐ देखो कपड़े धो के तोड़ो तोड़ डाले हैं, आज हमने बड़ा काम किया है। ये मेरे हम फल फ्रूट खाएंगे, ऐ देखो जी किड्डे खूबसूरत जापानी फल लाए हैं, सीधे करो ना सारे साथ में हैं, आड़ू और हैं मीठे, जो कि हम काटेंगे एंड खाएंगे सारे रल मिल के। तो देखो जी इधर करो जापानी फल, तो बड़े जी देखे ऐसे काटा जाता है जी, ऐसे काटा जाता है, देखो जी उंगली ना तू काट ली हैं, ऐसे काटा जाता है, ऐसे काटते काटते है ना वे और कुछ हो जाए। ऐ देखो जी नाना बुआ काम चेक करो, ट्रिक हो रहा है ट्रिक, उठो उसने चदरे चदरे उठा के बाहर तो उस पर डाल ले, अबू जी सो के आके उठे, सो गए हुए थे अभी उठे हैं, देखो जी बैठे हुए चादर पाई बैठ के देखे जी खा पी रहे हैं माशाल्लाह। और जापानी फल कोई मज़ेदार, इतने मीठे ठंडे ठार खाने का जी अपना ही मज़ा है। ऐ देखो जी मेरी प्लेट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मी हलीमा किचन, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अब्बू जी बैठ के यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, और सना जी सुबह सुबह उठ के अपनी मेहंदी लगा रही है। मैं कहा तू दस तू अजी कड़े ब्याह से जाना है, तो आपको उसकी मेहंदी मैं भी दिखाती हूँ, जो उसने सुबह सुबह पहले क्या किया, यहाँ बैठ के ये मेहंदी लगा रही थी, इसने पहले पेपर पर ये देखे ऐसे ये डिज़ाइन बनाया, और उसके बाद सना ने ये देखें जी दिखाओ जरा, ये मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही है कि लग जाए, तो ये खुद इसका डिज़ाइन है जी, ये देखो ये देखो जी डिज़ाइन कहते हैं बनाए ने, तो ना कि कापी ना जमीन पर नहीं रखते उत्ते इसके ऊपर,
ये भी इसने खुद अपने डिज़ाइन, ये देखें जी ए भी डिज़ाइन है। बाकी दी शायरी ये सुबह सुबह से मैं बैठ के मेहंदी लगा रही सन, आज कि ब्याह है हैं दस जरा। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आज कद्दू गोश्त, गोश्त की बुनाई हो रही है और साथ में मैंने काट के रखे हैं जी कद्दू शरीफ। ये देखें जी सोने सोने कद्दू शरीफ, माशाल्लाह से गोल गोल हमने काट के, ऐसे जल्दी पक भी जाते हैं और हमें पसंद है जी चंगे खुले मिले होन कद्दू, वो अच्छे लगते हैं। जबरदस्त जी कद्दू गोश्त हमारे तैयार हैं, ये देखें कितने नाइस माशाल्लाह। और धनिया ताज़ा ताज़ा जी, धनिया हंडिया की जीनत है, उसका सिंघार है, उसका उसका जवाहरात है, जेवरात है। बड़े ज़बरदस्त बने जी माशाल्लाह से, तो बनाएं खाएं कद्दू गोश्त। रोटियां तो दूर दियाँ हों ना, कद्दू गोश्त हों ना, चाटी थी लस्सी हो तो मैं कहनी हाँ वाह वाह, बह जा जाती जी। यहाँ पे भी जी हो रही है देखे पैकिंग, सारा सामान खोल के इधर, और वो देखे उधर बेड पे भी सामान जो है खोल के रखा जा रहा है, यही हो रहा है। और यहाँ बैठ के खाए जा रहे हैं जी खीरे क्यूकम्बर खाया जा रहा है, और हम जो है बस पैकिंग लगे हैं करन। और बाहर देखें धूप कैसे छम छम करती अंदर आ रही है, देखो जी फ्रूट टाइम जी, फ्रूट टाइम। ये देखिए मीठे एंड जापानी फल एंड क्या कहते हैं उसको आड़ू, टेबल पर रख के हम यहाँ खाएंगे मीठे काट, मीठे जी बड़े माशाल्लाह हमने खाए हैं। और ये वज़न कम करने के लिए बेहतरीन फल है, आप ये 5-6 दिन में खाएं, पर उसके साथ एक्सरसाइज भी करें, डाइट भी कंट्रोल करें। यानी कि बस मीठे खा के सोचो कि हाँ भाई मीठे खा ले वज़न कट जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता, साथ में और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डाइट करनी पड़ती है, थोड़ा सा खाना कम खाना पड़ता है, तो वज़न खुद ही कम हो जाता है।